नमस्कार दोस्तों, आज मैं वीडियो ITR के ऊपर लेके आया हूँ। तो बहुत से लोगों का कमेंट था कि ITR भरने में किसी उस सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी और किसी को एग्जेम्प्ट अलाउंस के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसके ऊपर मैं विस्तार से वीडियो बनाऊंगा और आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही थी, इस के ऊपर भी कमेंट किया गया है। तो मैं आज लैपटॉप से वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको वही गूगल क्रोम मोबाइल में या लैपटॉप में ओपन करना है और अपने लॉगिन पेज पे आ जाना है। तो मैं अपने लॉगिन पेज के ऊपर आ गया हूँ और अभी मैं इस किस्में कैप्चा कोड भर देता हूँ और इसको लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको असेसमेंट ईयर, इसमें वही 2019-20 सेलेक्ट करना है। नीचे ITR फॉर्म टाइप 1 और फिलिंग टाइप में ओरिजिनल रिवाइज, और सबमिशन मोड में आपको प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसमें आई एग्री करके कंटिन्यू कर दीजिए। तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें 15 मिनट का आपको टाइम मिलता है, तो आप हर 4-5 मिनट के बाद में इसको सेव ड्राफ्ट पक्का करते रहिए। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो आप पढ़ सकते हो। और मैं इसके अगले पेज पे चलता हूँ, पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन रहेगी, जिसमें नाम है, आधार नंबर है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, इस तरीके से आपके पास इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। तो इसके अंदर आपको ये जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इसके अंदर आपको गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेना है। मैं इसमें ऑलरेडी कर रखा हूँ। और इसमें जो भी आपके जैसे मोबाइल नंबर पहले से सेव नहीं है, तो इसमें मोबाइल नंबर भर दीजिए। दूसरा देना हो तो अपनी ईमेल एड्रेस दे दीजिए। इसके बाद इसको सेव ड्राफ्ट कर देना। इस तरीके से करने के बाद में आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने फर्स्ट में आ रहा ग्रोस सैलरी। ये ग्रोस सैलरी आपको कहाँ से उठाना है? ये ग्रोस सैलरी आपको इनकम टैक्स का 16 फॉर्म आपके पास होगा। तो मैं आपको मेरा 16 फॉर्म दिखाता हूँ। ये मेरा 16 फॉर्म है, इसमें मेरी ग्रोस सैलरी है 9,03,008 रुपये। सॉरी, ये मैंने, हाँ, दूसरा मैंने ओपन कर लिया 16 फॉर्म, पुराने वाला 16 फॉर्म है 2018-19 का। तो मैं दूसरा ओपन कर लेता हूँ, एक मिनट चालू रखिए। मेरा 16 फॉर्म 2018-19 का ओपन करता हूँ। तो इसमें मेरी जो ग्रोस सैलरी है वो है 7,79,373 रुपये। तो इसको सेम टू सेम इस वाले कॉलम में फिलअप कर देना। तो मेरी थी 7,79,373, 7,79,373 रुपये, ये मैंने सेम इसमें से फिलअप कर दिया जो मेरे 16 फॉर्म में थी। नेक्स्ट कॉलम आता है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से कैलकुलेट कर लेगा। ऊपर भी 7,79,373 रुपये आ गए। और
ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये है फोर्स पर्सनल के लिए, क्योंकि मैं सिविल के लिए देख सकते हैं सिविल भी, लेकिन ये अधिकतर मैं जो इसके वीडियो के ऊपर ज़्यादातर मैंने फोर्स के लिए अलाउंसेज के बारे में अधिकतर ज़्यादा फोर्सेज के लिए है, जो फोर्स के बंदे हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा वीडियो। तो इसमें ये आ जाता है सेकंड कॉलम, अकाउंट्स टू द एग्जेंट एग्जेंट अंडर सेक्शन 10 के अंदर आपके कौन कौन से अलाउंसेज है। इसके लिए मैंने पहले भी ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा हूँ, ठीक है, तो उस वीडियो का आप देख सकते हो, जिससे कि आपको जैसे आपके जितने भी एग्जेंट अलाउंस होंगे वो आप उसमें देख सकते हो। तो मैं सबसे पहले 16 फॉरम की बात करूँगा, जो आपके 16 फॉरम में क्या क्या अंडर सेक्शन 10 के दिए हैं। जैसे इसमें मेरे को दिए हैं अंडर 10 सेक्शन में है ड्रेस अलाउंस दिया है मेरे को 10,000 रुपये, तो मैं इस 10,000 रुपये को इसमें दिखा देता हूँ। और इससे ड्रेस अलाउंस का जो सेक्शन है बताता हूँ, इसके लिए मैंने पहले ही बताया कि एग्जेम्प्ट अलाउंस के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा। तो इस 10,000 रुपये को हम कहाँ दिखाएंगे, एक PDF फाइल है मेरे पास, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यूनिफॉर्म अलाउंस, ये यूनिफॉर्म अलाउंस के नाम से है, इसकी सेक्शन है अंडर सेक्शन 10-14-1 है, तो इस कॉलम के अंदर आप इसको दिखा सकते हो। तो इसमें मैं सेलेक्ट करूँगा, अंडर सेक्शन ये है, आपको दोबारा दिखाता हूँ, अंडर 10 सेक्शन 14 की 1, तो ये वाला आप इसमें से यहाँ से 14-1 सेलेक्ट कर लें, और इसमें आप अपना अमाउंट जो भी है आपका 10,000 रुपये तक का एग्जेम्प्ट है तो वो अमाउंट भर दें, ठीक है। इसके बाद दोबारा 16 फॉरम के ऊपर चलते हैं कि और कौन सा अलाउंस है जो, तो उसके बाद में है, इसके बाद मेरा ऐसा कोई नहीं है, ओनली एक रिकवरी पे अलाउंस। अगर आपका भी रिकवरी हुआ है तो उसको भी आप भी शो कर सकते हो, कोई अलाउंस रिकवरी हुआ तो इसमें जाएंगे ऐड करना इसके ऊपर से, और यहाँ पर एनी अदर पे क्लिक करना, यहाँ पर आपका जो भी अलाउंस है उसको पहले उसका डिस्क्रिप्शन दे देना। जैसे मेरा है रिकवरी, रिकवरी पे अलाउंस, क्योंकि अगर आपको इनकम टैक्स विभाग अगर नोटिस भी देता है तो पूछेगा, तो आप उसके बारे में बता सकते हो। और इसमें जितना भी आपका अमाउंट था वो अमाउंट आपको इसमें डाल देना, जैसे मेरे में है 6,354 रुपये, तो मैं इसमें 6,354 रुपये डाल दूँगा। ये तो अभी 16 फॉरम का क्लियर हो गया, जो आपका 16 फॉरम में दे रखा था उस चीज़ को आपने फिलअप कर दिया। अब इसके बाद में कुछ अलाउंस जैसे होते हैं जो 16 फॉरम में नहीं है। अब जैसे किसी को रिस्क अलाउंस मिलता है या कोबरा अलाउंस मिलता है, तो वैसे कोबरा अलाउंस क्या होता है, टैक्सेबल होता है, रिस्क अलाउंस भी होता है, लेकिन क्या होता है कि LW इलाका है, हार्ड एरिया, मैं आपको एक सेक्शन दिखा देता हूँ जाएगा, ये सेक्शन है हाई फील्ड एरिया अलाउंस, इसके अंदर हम आते हैं, क्योंकि हम इस इलाके में ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, तो हम 4,200 रुपये पर मंथ के हिसाब से अंडर 10 की सेक्शन हैं, ठीक है, चाहे रिस्क अलाउंस हो चाहे कोबरा अलाउंस हो, आप अपने LW एरिया में जैसे हार्ड एरिया में ड्यूटी कर रहे हो, तो आप इसको 4,200 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपके एक साल के 54,200 रुपये, सॉरी 50,400 रुपये आपके बनते हैं इसके, 50,400 रुपये आप इस में ऐड करेंगे, और इसमें आप टू में 50,400 रुपये दिखा सकते हो, तो यहाँ पर आपको 50,400 रुपये शो कर देने हैं। अगर आपके और भी कोई अलाउंस है, इस PDF फाइल को मैं पूरा दिखा देता हूँ एक बार, अगर आपके और भी कोई अलाउंस है तो आप उसको भी शो कर सकते हो।
ठीक है। जैसे आपको गैलेंट्री अवार्ड मिला है, अगर उसका आपको अलाउंस मिल रहा है तो आप वो फुली एग्जेम्प्ट है, वो अंडर 10 की 18 की 1 में है, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो है ना, इसके अंदर जाना पड़ेगा, इसमें आएगा आपका अंडर 10 का 18, ये है ये कॉलम, ठीक है। तो और एक है इंटरटेनमेंट अलाउंस, किसी को इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता हो तो अंडर 10 अंडर सेक्शन 16 की 2 में आए, ठीक है। अगर एलटीसी आपने क्लेम किए तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो आपका खर्चा हुआ है वो फुली एग्जेम्प्ट, वो अंडर 10 की 5 में, अंडर 10 की 5 में आप उसको दिखा सकते हो। अंडर सेक्शन 10 के फॉरेन अलाउंस, अगर कोई विदेश में रहा उसको अलाउंस मिला हो तो वो अंडर 10 की सेक्शन 7 में दिखा सकता है, ठीक है। इसके आगे म्यांमार अलाउंस है, एयर यूरोप कैश ग्रांट फॉरेन अलाउंस है, ये इसका मैंने वीडियो पूरा बना रखा, आप उसको उस वीडियो को देखने के बाद आप उसको डिटेल में भर सकते हो। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ये नॉर्मली सभी लेते हैं, तो 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से है, अंडर 10 की 14 में 2 में आप इसको दिखा सकते हो। तो मैं इसको दिखा देता हूँ, आप कहाँ देख सकते हो उसको। जैसे ये है, यहाँ पर आगे यहाँ ऐड करना है और यहाँ पर दिखाना है अंडर 10 के 14-2 में, आपका जो भी सी ए है वो भी इसी में दिखाना है। या मैंने कोबरा अलाउंस भी दिखाया है तो 2 में, आप यहाँ पर अलग से अपना जो भी सी ए बनता है, आपने अगर सी ए लिया है तो आपको उसको भी इसी में दिखा सकते हो, ठीक है। और LTC का ये है एंडरसेंट सेक्शन 10 5 लीव के ट्रेवल कंसेशन, इसके अंदर आप दिखा सकते हो। तो मैं मेरे 16 फॉरम के हिसाब से इसको भर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि किसी ने सीए लेते हैं, मैं तो सीए नहीं लेता लेकिन कई बंदे हैं जो सीए लेते हैं तो वो भर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, हाँ, और सीए के साथ में अगर आपने हॉस्टल सब्सिडी ली है तो वो भी अंडर सेक्शन 2 की 14 में, यही है अंडर सेक्शन, अंडर सेक्शन 14-2 में सी ए बी और हॉस्टल सब्सिडी भी इसी में दिखाना। जो आपका हॉस्टल सब्सिडी वो 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से है, यानी कि एक बच्चे पे 300 रुपये, दो बच्चों के 600 रुपये के हिसाब से एक मंथ का, तो 12 महीने का जो भी आप कैलकुलेशन करके इसमें डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में मेरे लिए ये कॉलम अभी है नहीं, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो मैंने डिलीट कर दिया इसको, मेरे लिए यही है। अभी 16 फॉरम दिखाता हूँ आपको मेरा, आपको 40,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला है, जो कि सभी वेतन कर्मचारी हैं उन सभी के लिए लागू है 40, ये आपको ऑलरेडी आपके इनकम टैक्स फॉरम के अंदर फिलअप किया हुआ मिल जाएगा। जैसे आप इसमें खोलें, इसमें ये देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये मेरे को ऑलरेडी इसमें फिल किया हुआ मिल गया, लेकिन अगर आपके जब आप फिल करते हो तो उसमें नहीं मिलता है तो आप उसमें 40,000 रुपये दिखा सकते हो। इस 40,000 रुपये की जगह आपके एक तो TPT अलाउंस जो मिलता था वो बंद कर दिया गया है, और एक मिलता था रीइंबर्समेंट, मेडिकल रीइंबर्समेंट, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। ये जो TPT अलाउंस मिलता था पहले 1600 रुपये पर मंथ के हिसाब से, ये एग्जेम्प्ट था, 1600 रुपये पर मंथ के हिसाब से एग्जेम्प्ट था, यानी कि 19,200 रुपये पर ईयर के एग्जेम्प्ट थे। और एक अलाउंस और था जो मेडिकल के लिए मिलता था, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, वो बंद कर दिया गया, जो 15,000 रुपये थे उसमें उसको बंद कर दिया गया।
मेडिकल रीइंबर्समेंट के नाम से है। उसको बंद करने के बाद में उसकी 1000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी गई है। ये जो है रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, ये 15000 रुपये और TPT ये दोनों बंद कर दिए, इसकी जगह आपको 40000 रुपये दे दिए गए हैं। इसकी जगह 40000 रुपये दे दिए गए। नेक्स्ट के ऊपर स्टैंड डिडक्शन हो गया। इसके अंदर मेरा जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है वो भी 0 है, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट है वो भी 0 है। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं ATC वाले कॉलम में आ जाते हैं। तो हम गूगल क्रोम में अपना ATC वाला कॉलम में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ATC का ये कॉलम है, ATC कॉलम के अंदर इसमें सीधा ही इसमें लिखा हुआ जितने भी आपकी LIC हैं। और मैं आपको एक PDF फाइल भी दिखा देता हूँ जिससे आप क्लियर हो जाए। ये फाइल है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट इन PPF, एम्प्लॉयज़ शेयर ऑफ PF कंट्रीब्यूशन, लाइफ इंश्योरेंस, और आपका जो DCPS करता है वो भी इसी में दिखाओगे, जो न्यू पेंशन स्कीम का करता है वो भी आप इसमें दिखा सकते हो। चिल्ड्रन ट्यूशन फीस भी आप इसी में दिखा सकते हो। इन्वेस्टमेंट इन सुकन्या समृद्धि वो भी इसमें दिखा सकते हो। सम 5 ईयर डिपॉजिट स्कीम, सीनियर सिटीजन सब कुछ नोटिफाइड। तो ये कॉलम है, अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो आप इसको ATC के अंदर दिखा सकते हो। अधिकतम लिमिट इसकी 1.5 लाख रुपये है। तो मेरा जो है सबसे पहला केस उसमें मेरे DCPS के कटते हैं, तो DCPS का मेरा अमाउंट है, मैं आपको दिखाता हूँ, 49267 ये मेरा अमाउंट है, प्लस मेरी कुछ LICs हैं, जो टोटल मिला के मेरा अमाउंट 84000 रुपये होता है। तो मैं यहाँ पर वर्बल आपको एक दिखाने के लिए डाल रहा हूँ, इसमें आपका जितना अमाउंट है वो 1.5 लाख तक की लिमिट है, 1.5 लाख तक ही डाल सकते हो। तो मेरा 84000 रुपये ही बनता है, तो मैं इसको यहाँ पर 84000 रुपये डाल देता हूँ। अब ये है ATCC, पेमेंट इन रेस्पेक्ट पेंशन फंड। अगर आप पेंशन फंड के अंदर, जैसे किसी बंदे का GPF वगैरह होता है, ये बता रहा हूँ डिपॉजिट, ये ATCC और ATC ये दोनों मिला के ही 1.5 लाख की लिमिट है। तो आप अलग से अगर आप ATCC में भी दिखाओगे ना, तो भी वो ATC और ATCC दोनों का अमाउंट 1.5 लाख ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का अमाउंट 1.5 लाख ही होना चाहिए। इसके बाद में ATCCT कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, कोई पेंशन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इसमें कंट्रीब्यूट करता होगा। जो फर्स्ट वाला कॉलम है ATC वही है मेन, इसके अंदर आपका जितना भी LIC है और जो भी आपका ट्यूशन फीस है या आपका GPF है, PF है, DCPS है, न्यू पेंशन स्कीम के अंदर जो कटता है वैसा आप इसके अंदर दिखा सकते हो। इसके बाद में सीधा अपन आ जाते हैं ATD के अंदर। ATD के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसके मैं आपको बता देता हूँ कि कितना कितना रुपये आपके लिए छूट है। यहाँ पर आ जाइए, ये है ATD मेडिकल इंश्योरेंस। अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो आपका 25000 रुपये की लिमिट है, सेल्फ स्पाउस और चिल्ड्रन बच्चों के लिए आप इस 25000 रुपये तक की आप छूट ले सकते हैं इनकम टैक्स से। और यदि आपके पिताजी हैं, आपके परिवार वाले हैं, वो 60 ईयर से
ज़्यादा एज के हैं, तो 50,000 रुपये तक की इसमें हैं, तो मेरे लिए तो ये लागू नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करवा रखा। तो आप ये अमाउंट इस कॉलम के अंदर भर सकते हैं, इसमें सेलेक्ट कर लेना है किसके लिए, आप सीनियर फैमिली के लिए करा रहे हैं, पेरेंट्स के लिए तो इसको सिलेक्ट कर दिया, 50,000 तक की छूट है। और अगर आपने अपने लिए करवाया है ये वाला, तो यहाँ पर 25,000 रुपये की छूट है। फिर इसके बाद मेडिकल एक्सपेंडिचर का कॉलम है, तो मैं इसके लिए भी बता देता हूँ आपको, ये है नीचे, ये सॉरी ATDDB, ये है नीचे मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ या डिपेंडेंट रिलेटिव फॉर डिसीज स्पेसिफिक इन रूल 11DD। तो स्पेसिफिक बीमारियां तो वही होती हैं जैसे मतलब बिल्कुल अपंग हो जाता है उससे, अपंग भी नहीं मतलब जैसे जान का खतरा हो, जान का खतरा होता है जैसे कैंसर, एड्स हो गया, ऐसी बीमारियां होती हैं, उसके अंदर आपको 40,000 रुपये तक की छूट मिलती है। अगर 60 ईयर से ओल्ड हैं तो उनके लिए 1,00,000 रुपये तक की आप इसमें छूट ले सकते हो ट्रीटमेंट के ऊपर। तो ये आप इस कॉलम में फील कर सकते हो। इसके बाद में प्रीवेंटिव हेल्थ चेकअप, इसके अंदर आप 5,000 रुपये दिखा सकते हो, 5,000 रुपये तक की सभी कर्मचारियों की छूट मिलती है, क्योंकि 5,000 रुपये तक का चेकअप हर आदमी अपने पूरे ईयर में करवा ही लेता है, और 5,000 रुपये की इनकम टैक्स विभाग भी छूट देता है, तो इसमें 5,000 रुपये आप शो कर सकते हो। इसके बाद में ATDD, ठीक है, इसके अंदर है मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट हु इज पर्सनल विथ डिसेबिलिटी। अगर कोई व्यक्ति डिसेबल है मतलब अपंग है तो उसके लिए आप इस कॉलम के अंदर छूट ले सकते हैं। कितनी छूट ले सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ये है सेल्फ सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी। अगर डिसेबल हो रखा अपंग व्यक्ति है वो 75,000 रुपये तक की छूट ले सकता है, ठीक है, और 1,25,000 रुपये है वो परिवार के अंदर कोई 60 ईयर से एजेड है तो उसके लिए आप 1,25,000 रुपये तक की ट्रीटमेंट के ऊपर आप छूट ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम, मेडिकल ट्रीटमेंट और स्पेसिफिक डिसीज, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इसमें भी शो कर सकते हो और ये आप इसमें भी शो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हो तो आप वो अमाउंट इसके अंदर दिखा सकते हो, अमाउंट दिखा सकते हो वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ, ये है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। इसमें फर्स्ट 8 ईयर, ये वाला है फर्स्ट 8 ईयर का आप इनकम टैक्स विभाग से जितना आपका अमाउंट है उसके ऊपर आप छूट पा सकते हो। ये वाला इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप इसमें फर्स्ट के 8 ईयर का इनकम टैक्स विभाग से जितना आपका अमाउंट है उसको आप इसमें फिल कर सकते हो यहाँ पर ATE के अंदर। फिर नेक्स्ट है ATEE, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लिया, होम जैसे होम लोन हो गया तो वो लिया है, तो आप इस ATEE के अंदर से छूट ले सकते हो। इसके अंदर अधिकतम लिमिट है 2,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये की लिमिट उसके ऊपर है, जो आपने बैंक लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो उस पे आप 2,00,000 रुपये तक की इसमें छूट मिलती है, आप 2,00,000 रुपये तक का इनकम टैक्स में छूट ले सकते हो। नेक्स्ट कॉलम आ जाता है ATU, सॉरी ATU नहीं ATG, ये है डोनेशन टू सर्टेन फंड। आप किसी फंड के अंदर मतलब दान करते हो तो उसकी आपके पास रसीद होनी चाहिए या उसका प्रूफ होना चाहिए, वो अमाउंट आप इसके अंदर दिखा सकते हो। फिर है ATGG रेंट पेड,
ये है रेंट पेड, अगर आप, मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ नहीं तो टाइम आउट होने वाला। ATGG रेंट पेड के अंदर आप 60,000 रुपये तक की अधिकतम छूट ले सकते हो। इसका मैं आपको दिखाता हूँ, ये है ATGG जो HRA होता है उसके ऊपर। या तो आप रेंट पेड जितना कर रहे हो, जैसे आप एक साल का 60,000 रेंट पेड कर रहे हो, उसमें से -10% ऑफ टोटल इनकम, आपने जितनी बेसिक सैलरी ली है उसका 10%, ठीक, जितना होगा, या 5,000 रुपये पर मंथ, मतलब साल के 60,000, या 25% टोटल इनकम यानी कि बेसिक सैलरी का 25%, इन तीनों में से जो मिनिमम होगा, जो कम होगा, उस अमाउंट को आप इस कॉलम में दिखाएंगे रेंट पेड में। इसके अंदर तो मेरी जो बन रही है वो 60,000 बन रही है, तो मैं इसमें 60,000 रुपये दिखा रहा हूँ। इसके बाद है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डोनेशन किया तो वो अमाउंट इसमें दिखा सकते हो। सर्टेन डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च रूरल डेवलपमेंट, इसके अंदर आपने जो अमाउंट दिखाया है वो आप इसमें दिखा सकते हो। फिर इसके बाद में ATTT, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन केस ऑफ अदर, आपने बैंक में जो भी इंटरेस्ट मिला, आप 10,000 तक रुपये की अधिकतम छूट ले सकते हो इंटरेस्ट के ऊपर, तो वो इस कॉलम में दिखा सकते हो, जो भी कॉलम है। मेरा तो कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 567 रुपये मेरा इंटरेस्ट है, तो वो इसमें दिखाऊंगा। इसके बाद में है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, ये ATTTV का है, मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये है ATTT एग्जेम्पशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ETC। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, वो जिसको बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट कर रखा है पोस्ट ऑफिस में, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो उसके ऊपर एग्जेम्पशन सीनियर सिटीजन ले सकता है। मैक्सिमम अधिकतम 50,000 रुपये तक की इसमें छूट ले सकता है, अगर किसी बंदे का हो तो वो इसमें होता है। इतना भरने के बाद में आप नीचे आ जाइए, यहाँ पर ये है, इसके अंदर भी मैंने बताया था, और इसमें और अधिकतम कुछ खास नहीं है, जो था वो इसी में, तो आप लीजिए, इसमें आपका पूरी डिटेल है, और उस जो इसमें सेक्शन दे रखा है वो आपको इसलिए, और इसमें आप फिल कर सकते हैं, मेरा इसमें फिल करूं। और एक जो मैंने ये टेस्ट का जो बैंक में इंटरेस्ट मिलता है उसका एक कॉलम तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया था, इसको जो ये है ATTTA, ये वाला 567 रुपये, ये अमाउंट आप ऊपर भी दिखा सकते हो, यहाँ पर भी इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इसमें भी आप उसको दिखाइए। जैसे यहाँ पर 810 रुपये दिखा रहा है इसमें, तो यहाँ पर उतना आप दिखा सकते हो, जिसमें 567 रुपये था, तो आप उस अमाउंट को यहाँ पर भी दिखा सकते हो, यहाँ पर 567 रुपये। इसके बाद में आपको यहाँ पर दिखा देगा ये नीचे, जितने आपका कितना आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, कितना, जैसे मेरे में दिखा रहा है इसमें टोटल टैक्स रिलीफ 0, 17,963 रुपये अभी मेरे को देना है, मतलब इतना एग्जेम्पशन लेने के बाद में है, तो ये मेरे को यहाँ पर शो कर रहा है। आप जैसे जैसे इन अमाउंट को फिल करते रहोगे, वैसे वैसे ये अमाउंट भी कम बत्ती होता रहेगा। नेक्स्ट वाले कॉलम में चलते हैं, जैसे इसमें टैक्स है, टैक्स डिटेल में आ जाएंगे, तो इसके अंदर आपका जो भी TDS कटा होगा,
वो आपका यहाँ पर शो करे। किसी बंदे का शो नहीं कर रहा तो 64 में आपका जितना अमाउंट वो अमाउंट आप इस वाले कॉलम में फिल कर दीजिए। इसके बाद में नीचे इसमें कुछ, तो मैं नेक्स्ट वाले कॉलम में चलता हूँ। तो नेक्स्ट कॉलम है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, इस कॉलम में आ जाते हैं। इस कॉलम के अंदर ये मेन कॉलम है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान, ये जितना मेरा TDS कटा था वो इसमें शो कर रहा। इसके बाद में रिफ़ंड मेरे को कितना अमाउंट होगा, मेरे को 31,000 रुपये, 150 रुपये रिफ़ंड होंगे, और 17,000 रुपये उसमें मेरे को और जो कटेगा, तो ये और ये अमाउंट, वो 17,000 जो पहले दिखा रहा था वो 66 रुपये, ठीक है। यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल भर देनी है, आपको किस अकाउंट में पैसे रिफ़ंड करने हैं वो डिटेल आप इस वाले कॉलम में फिल कर देंगे, और यहाँ से टिक मार्क करके आप उसको, जो इसमें जैसे मेरी दो दिखा रहा, तो आपका जो अकाउंट है उसको आप यहाँ से टिक मार्क करेंगे, और एक इसके सामने वाले भी, और अगर आपका नहीं है तो यहाँ पर आप ऐड करके उसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद में नीचे ये लिखा है आईफोन, यहाँ पर सेल्फ कर देना, और यहाँ पर जो जिस जगह से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस जगह का नाम आपको भर देना है। जैसे मैं ऐसे ही डाल देता हूँ दिल्ली, ठीक है, डेट ऑटोमेटिकली ले लेगा। अब इसके अंदर आपको दो कॉलम सेलेक्ट करने हैं, सबसे लेटर विथ इन 120 डेज, ये वाला या ये वाला। इसको आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे उसके बाद में आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना। प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपके पास ये बोला कि आप इस फॉर्म में कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं या नहीं, नहीं तो आप क्लिक करेंगे आप फिलअप हो जाएगा। इसके बाद में आपको जाना है बैक हो जाना है, इसके बाद में आपको चला जाना डैशबोर्ड के ऊपर, तो मैं आपसे डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। इस तरीके से इस पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पर देखेंगे वी रिटर्न फॉरम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने पेज अभी होगा, तो आपको बताता हूँ आगे क्या प्रोसेस है। इस तरीके से पेज ओपन, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, चलने की रफ्तार कम हो गई है, इस कारण से आगे का पेज भी ओपन नहीं हो रहा। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर ITR का ऑप्शन दिखाएगा, इनकम टैक्स रिटर्न, ये मेरे में शो नहीं कर रहा, अभी नेट स्लो हो गया है। मैं इसको जैसे कैंसिल हो गया, या मैं दोबारा डैशबोर्ड पे जाता हूँ, मैं दोबारा इसको रिओपन,
ये आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा अभी। नहीं डैशबोर्ड ओपन हो रहा, नहीं और कुछ ओपन हो रहा। आपके सामने एक पेज और ओपन हो जाएगा, उस रिटर्न को सिलेक्ट कर लेना और सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे तरीके से पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन हो गया। तो इसमें आपको यहाँ पर मैंने तो आपको दिखाया ई वेरीफाई पेंडिंग, तो आप उसको यहाँ पर ये जो लिखा है इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पर आपको दिखाएगा इनकम टैक्स फॉर्म फॉर ईयर ई वेरीफाई। तो उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे ग्रीन, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको तीन चीज़ मिलेंगी। आप आईबीसी कोड से करना चाह रही, ये आप ई वेरीफाई करना चाहते हो बैंक अकाउंट से आधार नंबर से, तो सबसे बेहतर है कि आधार नंबर से आप ई वेरीफाई कीजिए। उसकी लास्ट कॉलम है, उसके अंदर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ओटीपी आएगा, ओटीपी उसमें डालेंगे वो ई वेरीफाई।